हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष निको। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैक बेंचर्स ऑफ स्टॉक्स। चलिए गाइस, शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को, जो भी कल हम लोगों ने लेवल डिस्कस किए थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, उसके एनालिसिस के साथ में शुरुआत करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ में। सो गाइज, अगर हम लोग बात करेंगे आज के दिन के हमारे परफॉर्मेंस के बारे में, तो आज हम लोग को मार्केट ने जो है वो गैप अप ओपनिंग जो है काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग जो है वो दिया था। अब गैप अप ओपनिंग के बाद में सभी को यहाँ से उम्मीद थी कि मार्केट जो है वो यहाँ से अप ट्रेंड में निकल जाएगा, लेकिन मार्केट ने आज अप ट्रेंड नहीं दिया। मार्केट में हम लोग को एक डाउनफॉल जो है वो देखने को मिला था। अब यहाँ पर इस लेवल पर बैंक निफ्टी की पी मैंने आप लोग के साथ में शेयर की थी, मोर देन 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोग को वन साइडेड ट्रेड में जो वो आज के दिन में देखने को मिला है। और अपने प्रीमियम ग्रुप में मैंने यहाँ पे और एक सी जो एकदम बॉटम लेवल में बाई करवाने को दी थी। अब ये ऐसा नहीं कि ये लेवल्स आपके साथ में शेयर नहीं किए थे। मैजिकल लेवल 41,500 रुपीज़ का जो है वो आप लोग के साथ में मैंने यहाँ पे शेयर किया था। शार्प फॉल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था हमारे मैजिकल लेवल तक। बस यही रीज़न है, इन लेवल्स को जो है वो मैजिकल लेवल्स कहा जाता है। एग्जैक्टली इस लेवल तक इसने हम लोग को डाउनफॉल दिया और यहाँ से एक वी शेप वाला रिकवरी जो है वो हम लोग को यहाँ पे बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सभी जगहों पर जो है वो देखने को मिला था। अगर से बात करेंगे निफ्टी के फ्यूचर्स के बारे में, सो गाइस निफ्टी में भी हम लोगों का जो लेवल वन हम लोगों ने डिस्कस किया था पी साइड के ट्रेड में, सो यहाँ से नीचे आ गया। पहले तो कोशिश किया इसने हमारा मैजिकल लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन कर नहीं पाया। यहाँ से शार्प फॉल हम लोग को देखने को मिला और फिर यहाँ से इसने जो है वी शेप वाला रिकवरी जो है मार्केट में आज के दिन में निफ्टी ने भी दिखा दिया। अगर से बात करेंगे मेरी प्रीमियम सर्विसेज के एनालिसिस के बारे में, सो रिटर्न्स देख लीजिए, बहुत बेहतरीन रिटर्न्स आज के दिन में हम लोगों ने ब्रेक जो है वो बुक किए हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, एक स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ है। ओपनिंग प्राइस पे मैंने जो है सी बाय करने को लगाई थी बैंक निफ्टी के, बस उसमें आज हम लोग का एक लॉस जो है वो चला गया। अदरवाइज बाकी सारे कॉल्स में, सारे स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन मूव जो है वो आज के दिन में हम लोग को देखने को मिले। अगर से बात करेंगे जो भी तीन ब्रेकआउट स्टॉक्स मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ उसके एनालिसिस के साथ में, परसिस्टेंट उसकी जो उसमें से जो है वो पहली कॉल थी, आज हम लोग को टारगेट 2 जो है वो मिल गया है। एंड देन सेल साइड हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हम लोग को नहीं मिला। यहाँ से एक और यहाँ से एक, 2-3 कॉल्स हम लोग की सी साइड में बनी थी, तीनों में हम लोग को बहुत ही अच्छा सा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला था। कल के दिन में गाइज मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को BTST में दिया था, होल्डिंग के लिए दिया था पी साइड में, जो कि शार्प फॉल आज हम लोग को कोटक बैंक में देखने को मिला। और जो फर्स्ट हाफ में जो निफ्टी के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में जो फॉल हम लोग को देखने को मिला था, ये सिर्फ और सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से था, जिस वजह से हम लोग को कोटक महिंद्रा बैंक की पी में भी एक अच्छा सा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला। साथ ही हम लोग को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में भी फॉल जो है वो देखने को मिला। एस्ट्रॉल आज के दिन की हम लोगों की डिस्कस की गई तीसरी ब्रेकआउट स्टॉक थी, सी साइड में जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट बना करके दे करके चलेगी। पी साइड में कोई हम लोग को यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिला था, सी साइड में एक अच्छा सा ज़बरदस्त प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिला है। यानी कि गाइज 310 एपिसोड्स तक जो भी 99% की एक्यूरेसी में अपने हर यूट्यूब के वीडियो में क्लेम करता हूं आप लोग के साथ में, वो एपिसोड नंबर 320 तक आज भी बरकरार है। मेरी कोशिश रहेगी इसे एटलीस्ट 365 डेज तक जो है वो कंटिन्यू कर सकूं। सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ है लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए, आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, अगर वीडियो को लाइक और कमेंट आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ गाइस, अगर से आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को फ्री ऑफ कॉस्ट में पाना चाहते हैं, अगर से आप लोगों ने नहीं देखी है मेरी एक्यूरेसी, तो एक बार YouTube को स्क्रॉल करके देख लीजिए और Telegram को भी स्क्रॉल करके देख लीजिए। मेरी प्लैटिनम प्रीमियम सर्विसेज जो कि स्पेशलाइज्ड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस पे, इसे आप लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अकाउंट ओपनिंग का आप लोग को एक नया डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा मेरे दिए गए लिंक थ्रू, और आप लोग मेरी प्रीमियम सर्विसेज को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करते रहता हूँ। एक्यूरेसी आप लोग मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे भी जा कर के चेक करते हैं। ये सर्विस आप लोग कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी चीज़ है गाइज, आप लोग को सेम अकाउंट पे ट्रेड करना होगा। बाकी लोगों की तरह 1 महीना प्रीमियम सर्विस फ्री, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ऐसा कोई भी कैपिंग लगा करके हम लोगों ने नहीं रखा हुआ है। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम के लिए। कंडीशन सिर्फ एक है, ऑब्वियसली आप लोग को सेम अकाउंट पे ही ट्रेड करना होगा। बहुत सारे गाइस लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि 2000 5000 का प्रीमियम जो है या फिर फंड्स के साथ में वो ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। सो मेरे साथ में मैं ट्रेड करता हूँ एट द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे और इन द मनी स्ट्राइक प्राइजेस पे। सो बिफोर अकाउंट ओपन कर ले आप मेरी लिंक थ्रू, उससे पहले आप लोग को एक चीज़ समझनी होगी कि मेरी कोई भी प्रीमियम सर्विसेज जो है चाहे वो पेड हो चाहे वो जो आप लोग को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, किसी को भी ज्वाइन करने से पहले मिनिमम 15,000 रुपीज़ का कैपिंग है। 15,000 रुपये के ऊपर ही आप लोगों का कैपिटल होना चाहिए। 15,000 के नीचे अगर है तो मैं अपनी प्रीमियम सर्विसेज जो है वो नहीं ऑफर करता हूँ, क्योंकि मैं एट द मनी और इन द मनी पे मोस्टली जो है वो ट्रेड कराता हूँ। सो बस एक छोटा सा लॉजिक है, जो भी एग्री करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे प्रीमियम सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है, लिंक जो है मास्टर ट्रस्ट कैपिटल का और LIC ब्लू का, दोनों का अकाउंट ओपनिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे करके रखा हुआ है। फटाफट से अकाउंट जो है वो ओपन कर लीजिए और टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे टीम को मैसेज कीजिए, वो लोग आप लोगों को जो है यहाँ पे ग्रुप में जो है हमारा जो प्रीमियम ग्रुप वहां पे ऐड कर देंगे। दोस्तों कल के दिन की जो पहली ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी टाइटन की। टाइटन की अगर प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग को यहाँ से डाउन साइड से एक सपोर्ट जो है वो टाइटन फेस कर रहा है। 2745 का मैजिकल लेवल है। अगर यहाँ से ये ऊपर की साइड में निकल जाता है तो 2755, 2770, 2785 ये हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 2730 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। इनकेस अपसाइड नहीं चला जाता है तो 2730 के नीचे ये स्टॉक बियरिश है। 2720, 2703, 2682 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 2745 हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। जो दूसरी ब्रेकआउट स्टॉक कल के दिन के लिए हम लोग ने सेलेक्ट की है वो है HDFC AMC की। डाउनसाइड से काफ़ी शानदार सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है स्टॉक ने और इसमें एंड ऑफ द डे एक अच्छा सा वॉल्यूम भी जो है वो देखा गया है। अगर लेवल्स के बारे में बात करेंगे तो 2094 के ऊपर ये स्टॉक बुलिश रहने वाला है। 2103, 2115, 2134 ये हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 2080 हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। इनकेस अगर ये अपसाइड नहीं चला जाता है तो 2080 के नीचे HDFC AMC वीक है। 2072, 2060, 2044 ये डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 2094 हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। और कल के दिन की जो आखिरी ब्रेकआउट स्टॉक हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगी हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हिंदुस्तान यूनिलीवर में देख लीजिए एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा सा वॉल्यूम हम लोग को देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक में कोई भी मोमेंटम नहीं आया है। इधर किसी भी साइड में जो ब्रेकआउट मिलेगा हम लोगों को इन ट्रेंड लाइन्स के साथ में एक अच्छा सा मूव जो है वो देखने को मिलेगा। 2537 के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर बुलिश है। 2544, 2553, 2567 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 2525 हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। इनकेस अपसाइड नहीं चला जाता है तो 2525 के नीचे स्टॉक बियरिश है। 2518, 2508 और 2496 हैं यहाँ पे हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 2537 ये हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है। तो दोस्तों जब भी आप लोग मेरे लेवल्स के साथ में ट्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें जो है वो आप लोग को समझ के लेनी है। जैसे कि उसमें से पहले चीज़ ये है कि अगर से ये हम लोगों का बाई अबव का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल जो है वो इसका हाई ब्रेक करेगी तो तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो मैनुअली ले लेंगे, ना कि ऐसे लेवल्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को या फिर इन नंबर्स पे हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो पहले से लगा करके रखेंगे, क्योंकि मैजिकल लेवल्स के साथ में प्राइस एक्शन का सेटअप होना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में अगर ये हम लोगों का अगर स्टॉप लॉस का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे लेवल्स के नीचे क्लोज होनी चाहिए। जब अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी तो मैनुअली हम लोग अपने ऑर्डर्स को जो है वो ट्रिगर करने वाले हैं। साथ में दोस्तों जो भी 3 ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक्स है। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स को या फिर इनके ऑप्शंस को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इनके फ्यूचर्स और इनके ऑप्शंस को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लोग सेलेक्ट करोगे वो या तो इन द मनी होनी चाहिए या तो एट द मनी होनी चाहिए, क्योंकि आउट द मनी पे ट्रेड करने के सेटअप्स और लॉजिक जो होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, उसका डेल्टा भी बहुत कम होता है। सो बीइंग बिगिनर आप लोग को ये गलती जो है वो नहीं करनी चाहिए। साथ में जो भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सारे के सारे फ्यूचर के चार्ट पे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर पे क्यों डिस्कस करते हैं, इसका मेन मीनिंग यही है, इसका रीज़न मेन यही है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा रहेगा मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को वॉल्यूम दिखाते रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट रेट्स करें तो आप लोग वॉल्यूम का ज़रूर ध्यान रखें कि जब ब्रेकआउट हो रहा है तब वॉल्यूम है कि नहीं है उसमें। और साथ में दोस्तों जो भी आप लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिवली कंपेयर टू स्पॉट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली चलते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे आपके ट्रेडिंग में जो है इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो होने वाली है। साथ में जो भी लेवल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अगर आप लोग इन्हें लिख करके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है गाइज। इसे आप लोग को लिख करके नहीं रखना है, अपने चार्ट्स पे इन्हें ऐड कर देना है ताकि लाइव मार्केट आर्ट्स में जब कभी भी प्राइस एक्शन का सेटअप हम लोग के मैजिकल लेवल्स के साथ में बने तो प्राइस एक्शन को कैच करने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर निफ्टी के मैजिकल लेवल्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग को एक रेजिस्टेंस फेस किया है निफ्टी ने और यहाँ से एक सपोर्ट जो है वो क्रिएट करके रखा हुआ है। दोनों इंडेक्स जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ये दोनों के दोनों इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहे हैं अपने लाइफ टाइम हाई के पास में और दोनों रेडी है नया लाइफ टाइम हाई जो है वो बनाने के लिए। अगर आप लोगों ने मैंने एक शॉर्ट वीडियो जो है वो डाला हुआ है जिसमें मैंने 21,600 का टारगेट जो है वो निफ्टी पर दे करके रखा हुआ है आने वाले कुछ दिनों के लिए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी एक बार जो है वो जाकर के चेक कर लीजिएगा। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सा बुलिश ट्रेंड जो है वो अब हम लोग को यहाँ पे दिखना शुरू हो गया, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जो है वो ज़्यादा है उसके कारण और निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ में कोरिलेट कर ना करने के कारण हम लोग को थोड़ा सा साइडवेज का मोमेंटम जो है वो मार्केट में देखने को मिला है। लेकिन फॉर श्योर जो भी मैंने आप लोग को टारगेट यहाँ पर शेयर करके रखा हुआ है जल्दी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर निफ्टी के मैजिकल लेवल्स के बारे में बात करेंगे तो 18,270 के ऊपर निफ्टी के फ्यूचर बुलिश है। 18,311, 18,358, 18,404 और 18,457 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे। तो 18,230 के नीचे निफ्टी का फ्यूचर वीक है। 18,191, 18,142, 18,110 और 18,060 हमारे यहाँ पे डाउन साइड के लेवल्स होने वाले हैं। अगर से बात करेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी की मेरे प्रिडिक्शन के बारे में तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बुलिश क्लोजिंग जो है आज के दिन में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली है। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है और यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है इसे हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो बहुत बेहतरीन मूव जो है हम लोग को यहाँ पे बैंक निफ्टी पे देखने को मिल जाएगा। अगर से बात करेंगे बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स के बारे में तो 41,900 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बुलिश होने वाला है। 42,015, 42,158, 42,314 और 42,500 हमारे अपसाइड के लेवल्स होने वाले हैं। तो 41,800 के नीचे बैंक निफ्टी का फ्यूचर वीक रहेगा। 41,691, 41,580, 41,455 और 41,351 ये हमारे डाउनसाइड के लेवल्स होने वाले हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लिए। सो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं कल के दिन के मेरे बेहतरीन तीनों ब्रेकआउट स्टॉक्स जिसकी 320 एपिसोड्स तक 99% की एक्यूरेसी जो है वो बरकरार है। साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स कल के दिन के मेरे प्रिडिक्शन के साथ में। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो ऐसे ही लर्निंग के वीडियोज़ के लिए और डेली के अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे करके रखा हुआ है जहाँ पर आप लोग मुझे लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर वीडियो को लाइक और कमेंट आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।